नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन बेंगलोर से चेन्नई सेंट्रल के बीच में चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है 12640। वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन जो है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन बेंगलोर से चेन्नई सेंट्रल के बीच में डेली ट्रेन है, दैनिक ट्रेन है। और ये जो ट्रेन है हफ्ते के सातों दिन चलती है, डेली ट्रेन है। KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से हर रोज दोपहर के 3:10 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 6 घंटे बाद रात के 9 बजे ये चेन्नई सेंट्रल में पहुँच जाती है। टोटल 13 स्टेशन है, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 60 किलोमीटर पर आवर है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, साउदर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में तो वृंदावन एक्सप्रेस का जो मैं आपको टिकट किराया बताऊंगा वो KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से MGR चेन्नई सेंट्रल तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें एसी चेयर कार का कोच है, एसी चेयर कार का 2 कोच है इसमें, जिसका बेंगलोर से चेन्नई सेंट्रल तक का किराया है 560 रुपये। बेस पर है 448 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 40 रुपये, सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है, GST चार्ज 27 रुपये है। टोटल टिकट किराया 560 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। इसके अलावा इस ट्रेन में चेयर कार के तकरीबन इस ट्रेन में 13 कोचेस हैं, जिसका टिकट किराया बेंगलोर से चेन्नई तक का है 160 रुपये, 130 रुपये जिसमें बेस पर है, 15 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये है। टोटल किराया 160 रुपये बनता है। बाकी इसमें 4 जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बे की अगर किराए के बारे में बात करें तो KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तमिलनाडु का जो टिकट किराया है वो है 145 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी इसमें एक पेंट्री कार का कोच भी है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यह फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है चार्जेस देने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं वृंदावन एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन जो कि KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से रोजाना चलती है चेन्नई सेंट्रल के लिए, KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से रोजाना दोपहर के 3:10 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 6 घंटे बाद MGR चेन्नई सेंट्रल में रात के 9:10 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं और 360 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है कृष्णा राजापुरम कर्नाटका, यहाँ बेंगलोर कर्नाटका। यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 3:32 पर पहुँचती है और 3:34 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 13 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बंगारापेट कर्नाटका में पहुँचती है शाम के 4:14 पर और 4:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जुलारपट्टी KSR बेंगलुरु मेमू स्पेशल ट्रेन के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 70 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कूपम आंध्र प्रदेश में ये ट्रेन जो है शाम के 4:43 पर पहुँचती है और 4:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 104 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KPN। इसके बाद ये ट्रेन जो है जुलारपट्टी जंक्शन तमिलनाडु में पहुँचती है। जुलारपट्टी जंक्शन तमिलनाडु का पहला स्टेशन है इस ट्रेन का। यहाँ पर वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन जो है शाम के 5:28 पर पहुँचती है और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। MGR चेन्नई सेंट्रल कोयम्बटूर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 144 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है वनियम बड़ी रेलवे स्टेशन तमिलनाडु में ट्रेन जो है शाम के 5:43 पर पहुँचती है और 5:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 160 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है और तिरुपति कोलम एक्सप्रेस और कई अन्य ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। एम्बूर रेलवे स्टेशन तमिलनाडु में ट्रेन जो है शाम के 5:58 पर पहुँचती है और 6 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर लालबाग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 177 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन जो है KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से चलकर काटपड़ी जंक्शन तमिलनाडु में शाम के 6:43 पर पहुँचती है और 6:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है।
दो मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 230 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है वलाजह रोड जंक्शन में पहुँचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 7:03 पर पहुँचती है और 7:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 254 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है WJR। इसके बाद शोलिंगहूर रेलवे स्टेशन तमिलनाडु में ट्रेन जो है शाम के 7:18 पर पहुँचती है और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 260 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है SHU। इसके बाद वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने नेक्स्ट स्टेशन अराकोनम जंक्शन तमिलनाडु में पहुंचती है। अराकोनम जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 7:43 पर पहुंचती है और 7:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है, दो नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 292 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है चेन्नई के पेरम्बूर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है रात के 8:33 पर और 8:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। दो मिनट का स्टॉप है, एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 353 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। शालीमार तिरुनेलवेली स्पेशल फेयर ट्रेन के साथ हरिद्वार को इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद वृंदावन एक्सप्रेस ट्रेन जो है फाइनली अपने आखिरी स्टेशन MGR चेन्नई सेंटर में रात के 9:10 पर पहुँचती है और 3 प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहाँ तक की जो दूरी है 360 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ KSR बेंगलुरु सिटी जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल तक चलने वाली वृंदावन एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोज बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। इस तरह इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।